जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, उसको खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक और बड़ा ऐलान किया है। राहुल ने कहा कि हम जातीय जनगणना करवाने वाले हैं, तेलंगाना से इसकी शुरुआत हो रही है। इसी के साथ उन्होंने वादा किया है कि आरक्षण में जो 50% की लिमिट लगा रखी है, हम उसे खत्म कर देंगे। एक बार राहुल गांधी का वो पूरा बयान सुनिए। जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम उसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें दो चीजें हैं, और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे। नोटबंदी ने, जीएसटी ने इन लोगों को खत्म कर दिया है, तो जो रोजगार क्रिएट करते थे, जो देश को रोजगार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अदानी जी ने नोटबंदी जीएसटी लागू करके उनको खत्म कर दिया है। तो हम एक सेकंड, तो हम सबसे पहले जीएसटी को बदलेंगे, ठीक है। नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, तो जीएसटी को बदलेंगे। उसके बाद हम एक नया फाइनेंशियल प्लान स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए लागू करेंगे, और उसमें हमारा फोकस होगा कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, गरीब लोगों को फुल बेनिफिट। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी ये मुद्दा संसद में उठाया। हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनकी ये स्पष्ट तरीके से जिन्होंने वादा किए हैं कि उन्होंने कास्ट सेंसर कराएंगे और 50% की जो रिजर्वेशन की जो मुद्दा, इसको हटाएंगे। तो मोदी जी और ये सरकार ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब कास्ट सेंसस की हम बात करते हैं तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारा कोई कास्ट ही नहीं है। ये चार कास्ट उन्होंने बनाया, लेकिन बाकी कोई कास्ट नहीं है। तो ये कास्ट सेंसस कराना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार, हमारी नेता राहुल गांधी जी और खासकर कांग्रेस पार्टी की जो मांग, ये मांग को वो स्वीकार करे और कास्ट सेंसस करा के 50% जो रिजर्वेशन की जो लिमिट, इसको भी हटाने की कोशिश करे। ये भी हमारे मांग है। जातीय जनगणना की ही तरह राहुल गांधी के नए चुनावी वादे की नींव भी बिहार में पड़ चुकी है। 2023 में ही बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के दायरे को 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने के प्रस्ताव पर विधानसभा में मुहर लग चुकी है। ये बात अलग है कि सत्ता समीकरण बदल जाने के बाद सब कुछ बदल चुका है। सीएम नीतीश कुमार अब इस मुद्दे पर तभी आगे बढ़ पाएंगे जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी सहमत होंगे और बीजेपी नेतृत्व की मंजूरी मिलेगी। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पास होने में एक खास बात ये भी देखी गई थी कि किसी ने भी विरोध नहीं किया था, मतलब बीजेपी ने भी नहीं। इससे पहले राहुल गांधी नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना के क्रेडिट से भी बेदखल करने की कोशिश कर चुके हैं। अब ये नया कदम है जिसमें फिर से निशाने पर नीतीश कुमार ही लगते हैं। बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़ों पर सवाल जरूर उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह पिछड़े वर्ग की आबादी बड़ी होने की दावे किए जा रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने का चुनावी दांव कारगर साबित हो सकता है। मुश्किल बस यही है कि इसे भी आखिरी वक्त में सामने लाया गया है। न्याय योजना के साथ भी ऐसा ही हुआ था और लोगों तक कांग्रेस संदेश पहुंचा ही नहीं पाई थी। इससे पहले जातीय राजनीति के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी को भी टारगेट कर चुके हैं। पीएम मोदी ने जहां संसद में ओबीसी का बड़ा कार्ड खेला, तो वहीं राहुल गांधी पलटवार करते नजर आए। पहले पीएम मोदी का ओबीसी वाला वो बयान सुनिए। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस बार बहुत चिंता जताते हैं
कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहां आगे बन करके बैठ जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा मैं ये दुनिया भर की चीजें करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये ओबीसी जात ये क्लास है, ये यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या, जरा निकाल के देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल बॉडी बनाई थी और वो तो अपॉइंट कर रहे थे। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं? बिहार के कास्ट सर्वे जाति राजनीति की कोशिशों को काटने के लिए पीएम मोदी ने चार जातियों का जिक्र किया था, गरीब, किसान, युवा और महिला। और अभी राहुल गांधी पांच न्याय के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में ये मुद्दा कितना बड़ा बनता है और कौन इसका फायदा उठा पाता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।